हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, पुस्तकें कौन कौन सी उन्होंने लिखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी हमारे भारत महात्मा गांधी हमारे भारत देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी हम उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में और माध्यमिक शिक्षा राजकोट में पूरी की। उन्होंने इंग्लैंड जाकर अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था,
दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जैसे खिलाफत आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे अनेक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। आखिरकार गांधी जी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। इनका जीवन काफ़ी सादगी वाला था। वे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते थे, यानी कि ये अपने देश की बनी वस्तुओं को प्रयोग करने पर बल देते थे। उन्होंने लोगों को मानवता का संदेश दिया। गांधी जी का देहांत 30 जनवरी 1948 को हो गया। अब देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं या पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग मेरे सपनों का भारत, राम नाम मेरी जीवन कथा।